नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजीएन न्यूज, जनता की आवाज। युवा विधायक विकास उपाध्याय ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भाजपा की गिरती साख व मोदी की घटती लोकप्रियता से ध्यान भटकाने भाजपा ने खुद फर्जी टूलकिट बनाकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश किया है और खुद ही बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने रायपुर पुलिस से मांग किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट की पीडीएफ या वर्ड फाइल मांगे, अन्यथा उन्हें जेल भेजें। भाजपा नेता देवलाल ठाकुर ने बताया कि जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार के साथ सेवा ही संगठन कार्यक्रम के दौरान दल्ली राजरा के वार्ड क्रमांक 22 में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सूखा राशन व हरी सब्जियों का वितरण किया गया है। दल्ली राजरा में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च, लॉकडाउन में घर पर रहने व वैक्सीन लगाने का किया गया अपील। अनावश्यक घूमने वालों को पकड़कर दी गई समझाइश, दुकानदारों को निर्धारित दिन पर ही दुकान खोलने का दिया गया है आदेश। दल्ली राजरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक बांबेश्वर के नेतृत्व में कोविड सेंटरों में फल व सैनिटाइजरों का वितरण किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर व महामंत्री रत्तीराम कोस्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा नेता नागेंद्र चौधरी ने बताया कि जिला मुख्यालय बालोद में आम जनता के सहयोग के लिए भाजपा किसान मोर्चा ने हेल्प डेस्क लगाया है। टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को फल, पानी, बिस्किट, चाय प्रदान कर अभिवादन किया गया व टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया। दल्ली राजरा वार्ड क्रमांक 12 पार्षद यंगेश देवांगन का बड़ा आरोप, पिछले 6 माह से मांग करने के बाद भी नगर पालिका द्वारा अब तक उनके वार्ड के क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। जब पार्षदों की बात नहीं सुनी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि दल्ली राजरा में आम जनता की क्या स्थिति होगी। रोज विकास के नए दावे किए जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा, परंतु सच्चाई क्या है? भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका में बैठे जनप्रतिनिधियों को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। युवक कांग्रेस बालोद जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकड़े द्वारा लोहारा के फ्रंटलाइन वर्करों का सम्मान फल, सैनिटाइजर व भाप मशीन देकर किया गया है। दल्ली राजरा भाजपा नेता मनोज दुबे का बड़ा आरोप, वार्ड क्रमांक 3 में टेंडर होने के बाद भी बोर खनन नहीं किया जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर बोर खनन में लेट कर पार्षद की छवि को वार्ड में खराब करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। मनोज दुबे द्वारा लगातार अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका दल्ली राजरा के कार्यशैली और वहां हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण सत्ता में बैठे लोग उनके वार्डों के विकास को बाधित कर जनता को परेशान कर रहे हैं, जो कि राजनीति का निम्नतम स्तर है। वह सत्ता में बैठे लोगों के दूषित सोच को दिखाता है। एसजे न्यूज सभी पार्षद व आम जनता की आवाज बनकर इन बहरी सरकारों के कानों में गूंजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश व दल्ली राजरा सहित आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें एसजे न्यूज।